Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English, unit 4, poem number 33, Wash Day. So, first I read whole the poem, everyone listen carefully, okay? Mrs. Ocean takes in washing every day the whole year through. And she used so much bluing that it stained the water blue. I have seen the soap suds floating when the waves were rough and high. But I never have discovered where she hang the clothes to dry. Okay, so students, this is our poem and the poet name is Elizabeth Upson. Okay, she is the poet. Okay, so what she is telling in this poem, she tell the thinking. एक ओशन का थिंकिंग क्या रहता है उसके बारे में उन्होंने बताया है. जस्ट इमेजिनेशन ये है, ये सच है क्या? नहीं. जो वॉश डे इसमें जो दिया है उन्होंने, जो ओशन रहता है, ओशन मतलब बड़ा समुंदर, उसे मिसेस ओशन बोला गया है. ओके, और वो मिसेस ओशन क्या कर रही है तो वो इसके बारे में बताया है. सो दिस इज जस्ट अ थिंकिंग स्टूडेंट्स, ये पोएट का थिंकिंग है एक ओशन के बारे में. ओके, वही हमें पढ़ना है. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या वो सोचती है. देखो अभी उसका इमेजिनेशन कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने, दे गिव इन दिस पोयम हर इमेजिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, वन बाय वन स्टैंजा. मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू. मिसेस ओशन क्या कर रही है? टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू. अपने जो कपड़े रहते हैं वो धो रही है, किसमें? ओशन में और उसके पानी में. और कब धो रही है? एवरी डे होल ईयर थ्रू, पूरे साल भर, एवरी डे. एंड शी यूज सो मच ब्लूइंग दैट इट्स स्टेन द वाटर ब्लू. एंड फिर वो क्या बोल रही है? शी यूज ब्लूज ब्लूइंग, शी यूज सो मच ब्लूइंग. ब्लूइंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लू सब्सटेंस रहता है, जैसे कि फैब्रिक, वो एक वॉशिंग लिक्विड होता है ब्लू कलर का, जैसे आपकी मम्मी भी यूज़ करती होंगी वाइट कपड़ों को, और मतलब ब्राइट कलर लाने के लिए, या फिर कुछ दाग धब्बे होंगे कपड़ों के ऊपर, तो वो निकालने के लिए ब्लू सब्सटेंस यूज़ किया जाता है. हर एक के घर में वो होगा. तो वो जो ब्लू कलर है ना, सो दैट इट स्टेन द वाटर ब्लू, उसके वजह से क्या हो रहा है? स्टेन्स मीन्स कलर, उसके वजह से जो हमें सी का कलर दिखता है वो कैसा है? ब्लू कलर रहता है ना. तो वो क्या बोल रही है कि वो कपड़े धोती है, उसके वजह से वो कलर कैसे हो गया है? ब्लू कलर हो गया है. बिकॉज शी यूज ए ब्लू सब्सटेंस, वो ब्लूइंग यूज़ कर रही है, उसके वजह से जो सी का कलर है वो ब्लू हो चुका है. ओके, आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लोटिंग वेन द वेव्स वेयर रफ एंड हाई. और फिर वो क्या बोल रही है कि मैंने क्या देखा है? आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लोटिंग. सोप सर्ट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फोम, झाग. जैसे आप लोग देखो साबुन लगाते हो नहाने के टाइम पे, तो झाग होता है ना, उससे ज़्यादा आप साबुन को पानी से मिलाओगे तो झाग होता है, बराबर. वैसे ही जब मम्मी कपड़े धोती है तो आपने देखा होगा तो भी वो साबुन का झाग तैयार होता है, यस ना. सो वो क्या बोल रही है कि मैंने वो भी देखा है ओशन में. कब देखा है? वेन द वेव्स वेयर रफ एंड हाई, जब वो वेव्स आते हैं ना समुंदर से. वेव्स सभी को पता है वेव्स कैसे आते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको ये पिक्चर में भी दिखते होंगे. वो रफली आते हैं ना, और उसमें वो जो व्हाइट कलर का देखो कैसे झाग जैसे लग रहा है. सो शी थिंकिंग अबाउट दिस. ओके, कि वो ब्लूइंग की वजह से ये सोप सर्ट्स फ्लोटिंग हो रहे हैं, वो झाग तैयार हो रहा है, ऐसे वो सोच रही है. बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड, बट वो क्या सोचती है? बट आई नेवर हैव डिस्कवर, मतलब मैंने बहुत सारा सर्च किया है, बट वेयर शी हैंग्स हर क्लोथ्स टू ड्राई. बट वो कपड़े तो धोती रहती है पूरे साल भर, बट वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स, बट वो कपड़े कहाँ पे सुखाती है, ऐसे वो सोचती है. सो हाउ नाइसली शी गेव द इमेजिनेशन. ओके, कि जो ओशन है उसको उसने क्या बोला है कि ओशन का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लूइंग के वजह से, जो ब्लू सब्सटेंस यूज़ किया जाता है कपड़े धोने के लिए उसके वजह से. एंड जो उसके वेव्स आते हैं वो रफ एंड हाई वेव्स होते हैं, उसमें क्या दिखता है? सोप सर्ट्स दिखता है, जो कि फोम दिखता है ना, फोम जैसे. तो वो क्यों होता है? बिकॉज शी इज़ यूजिंग ब्लूइंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, हाउ नाइसली शी
टेल अबाउट द ओशंस, ओके, बट ये सिर्फ इमेजिनरी एक पोयम दिया है उन्होंने, जो पोइट इमेजिन कर रही है ओशन के रिगार्डिंग. ओके, सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पोयम. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट हार्ड वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो फर्स्ट इज ए हार्ड वर्ड्स. ओके, वॉशिंग, ब्लूइंग, स्टेन, फ्लोटिंग, वेव्स, डिस्कवर्ड. ओके, देन मीनिंग, ब्लूइंग मीन्स ब्लू सब्सटेंस यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स. ओके, देन सेकेंड, स्टेन, स्टेन्स मीन्स कलर. थर्ड, सोप सर्स मीन्स फोम. ओके, देन क्वेश्चन नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट इज ए, व्हाट इज द ओशन कॉल्ड इन दिस पोयम, ओशन को क्या नाम से बोला गया है. सो द आंसर इज मिसेस ओशन. ओके, सेकेंड, व्हाट डज मिसेस ओशन डू एवरी डे, वो क्या करती है. आंसर, वॉश क्लोथ्स. ओके, कपड़े धोती है. यस, ये पोयम में दिया है. देन थर्ड, व्हाई डज द सी वाटर टर्न ब्लू, सी का वाटर ब्लू कैसे हो गया है. सो द आंसर इज ब्लू सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग वॉशिंग बाय मिसेस ओशन, बिकॉज शी इज यूजिंग ब्लू सब्सटेंस. यस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइमिंग वर्ड्स. ओके, फर्स्ट, वॉशिंग, ब्लूइंग, सेकेंड, थ्रू ब्लू, थर्ड, हाई, ड्राई. ओके, सो एवरीवन, एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस पोयम. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस पोयम केयरफुली एंड राइट द पोयम वन टाइम. पोयम आपको एक ही बार लिखना है, एंड ऑल्सो राइट हार्ड वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, थैंक यू.